तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 12 जनवरी 2024। पौष शुक्ल प्रतिपदा पर चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी ईशान। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक का। सर्वाश्य योग रहेगा शाम में 3:18 से लेकर अगले दिन सुबह 7:15 बजे तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:40 से लेकर रात में 8:10 तक। ये विशेष चंद्रोदय और चंद्रमा के पूजन का मुहूर्त है। और विशेष क्या है, पौष चंद्र दर्शन पर्व है। और हमारा जो विशेष उपाय है वो भी पौष चंद्र दर्शन पर्व से ही जुड़ा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन भविष्य फल में सबसे पहले बात करेंगे राशिफल की। मेष, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, सुरक्षित निवेश की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, रोका हुआ धन प्राप्त होगा। उपाय ये करें कि महालक्ष्मी पर इत्र चढ़ाएं। वृष, शत्रुओं से सावधान रहें, कानूनी मामलों में उलझनों से बचें, कचहरी के चक्कर में ना पड़ें, जीवन साथी के सेहत कुछ परेशान कर सकती है, उपाय ये करें कि उड़द के दाने कर्पूर से जला लें। मिथुन, ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिलेगी, समाज में पराक्रम बढ़ेगा, राजनीतिक के लिए समय शुभ रहेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं, उपाय ये करें कि महालक्ष्मी पर सफेद फूल चढ़ाएं। कर्क, सोच सकारात्मक रखें, जॉब स्विच करने के अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, हर फैसला सतर्कता से लें, लंबित काम निपटाने में सफल रहेंगे, उपाय ये करें कि देवी लक्ष्मी पर चंदन चढ़ाएं। सिंह, बिजनेस में तरक्की मिलेगी, कारोबारी यात्रा अच्छी रहेगी, आर्थिक लाभ के योग हैं, ऑफिस में सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य सुखी रहेगा, उपाय ये करें कि कागज पर गुलाबी स्केच पेन से स्ट्रीम लिखकर जेब में रखें। कन्या, नौकरी में बदलाव के बेहतर मौके मिलेंगे, किसी जरूरी काम में से शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, बिजनेस में बड़ा लाभ होने की संभावना है, उपाय यह करें कि किसी जरूरतमंद को कंबल दान करें। तुला, जीवन साथी पूरा सहयोग देगा, सुविधाओं में वृद्धि होगी, पिता से संबंध मजबूत बनेंगे, घरेलू मामलों में बुजुर्गों की सलाह से लाभ होगा, उपाय यह करें कि महालक्ष्मी पर सफेद फूल चढ़ाएं। वृश्चिक, फिजूल खर्चों से बचें, सोच समझ कर ही खर्चा करें, भागदौड़ से तनाव बढ़ सकता है, कार्यक्षेत्र में नई जवाबदारी मिल सकती है, उपाय यह करें कि किसी गरीब महिला को फलदान करें। धनु, कारोबारियों को तरक्की मिलने के योग हैं, प्रोफेशनल्स को लाभ के अवसर मिलेंगे, स्टूडेंट्स को ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है सफलता के लिए, उपाय यह करें कि शिवलिंग का अभिषेक करें। मकर, धन लाभ के योग हैं, परिवार में सुख शांति रहेगी, अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यात्रा के समय स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उपाय यह करें कि किसी जरूरतमंद को चावल दान करें। कुंभ, कार्यक्षेत्र में सराहना होगी, बड़ी व्यावसायिक सफलता मिलेगी, ऑफिस में सबकी पूरी मदद करेंगे, सम्मान मिलने के योग हैं, उपाय यह करें कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। मीन, परिवार में वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे, भाषा पर कंट्रोल रखें, खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी, वाहन खरीदने के योग हैं, उपाय ये करें कि तिल का लड्डू दान करें। तो दोस्तों, समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो डिप्रेशन से आपको मुक्ति दिलवाएगा। देखिए, दिन बहुत खास है, ये दिन है पौष चंद्र दर्शन पर्व का, ऐसे में डिप्रेशन से मुक्ति के लिए चंद्रदेव का पूजन करें, और डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए केसर मिले दूध में अपनी छाया देखकर चंद्रमा को अर्घ दें, और इस पूरे प्रयोग में विशेष मंत्र का जाप करें, ओम सुधा कराए नमः, आश्वस्त करता हूँ डिप्रेशन से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।